नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके, ये है इनटॉर्क 125cc स्कूटी। और आज की वीडियो फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ आपको, यानी कि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि एडजस्टमेंट लास्ट में है, और ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है पिछले पहिए में, यहाँ पर इधर साइड में स्विच लगे, ब्रेक शू लगे होते हैं, और ये इसकी वायर होती है, ये कैम होती है, ठीक है। और आगे जो ब्रेक लीवर होता है, ब्रेक लीवर में कुछ एक एडिशनल फंक्शन हुए हैं उसमें बताना हो तो फ्रेंड देख रहे हो आपके, ये इसमें जो इनटॉर्क है स्कूटी, इसमें जो ये सिस्टम आया फ्रेंड, ये देख रहे हो आपके, ये सिस्टम एक इसमें एडिशनल आया है। होंडा एक्टिवा में जो आया था वो अलग तरीके का आया है, जो इनटॉर्क में आया है इसमें अलग तरीके का आया है। ये सिस्टम जो क्या है फ्रेंड, ये मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, यानी कि ये जो है ये है ब्रेक लॉक, यानी कि जहाँ कहीं भी अगर अपनी स्कूटी खड़ी करके दूर जाते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको ब्रेक को लॉक लगा के और हम आराम के साथ जा सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप सिस्टम, यानी कि ये जो है ये ब्रेकिंग लॉक सिस्टम है, ये इसमें फंसता है, यानी कि ब्रेक लीवर को सही तरीके से जाम करता है, जिससे कि अभी देख रहे हो आप कि ये इस टाइम अभी नहीं लगेगा, जब तक हम ब्रेक नहीं दबाएंगे जब तक ये लगेगा नहीं। जैसे देखे अब मैं इस हाथ से एक से ब्रेक दबा रहा हूँ, जैसे कि ये दबाया मैंने ब्रेक और अब हम इसको लगा रहे हैं, तो फ्रेंड अब ये लॉक हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसका जो काम होता है ये सिर्फ ब्रेक को लॉक ही करता है, यानी कि ब्रेक लॉक, यानी कि ब्रेक लगा, जैसे हम कार में हैंड ब्रेक खींचते हैं वैसे ये सिस्टम ये है, यानी कि ये जो है ब्रेक लॉक है, ठीक। अब ये सिस्टम एक्टिव हो गया है, और अब अगर हम इस कंडीशन में अगर हम ये इसका पिछला पहिया घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा। ये देख रहा हूँ आपके स्टैम्प ब्रेक पहिया जाम हो गया है, और यहाँ पर भी ये जो फ्री पिल होती है ये बिल्कुल ख़त्म वो भी है स्टेम, और ये ब्रेक लगा हुआ है। तो फ्रेंड अब देखो, अब जो है हमको इसको हटाना है, हटा के फिर पैर घुमाता हूँ। तो जैसे कि अब हम इसको हटाएंगे, जैसे लगाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसमें, और अब इसको हटाने के लिए हम इसको ब्रेक दबाएंगे, ये खुद ही हट चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो होता है ये ब्रेक लॉक होता है, जहाँ कहीं भी आप अगर स्कूटी खड़ी करके दूर जाते हो तो हम इसको एक्टिव करके फिर जा सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी कोई छेड़खानी ना करे इस हिसाब से ये होता है, और कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पर ढाल होता है, तो यानी कि स्कूटी खड़ी करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस जगह पर भी हम इसको लॉक लगा के हम खड़ी कर सकते हैं स्कूटी को, ठीक है फ्रेंड। आप समझ हो गए ये चीज़ क्या होती है इनटॉर्क स्कूटी में, ठीक है। ओके फ्रेंड, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।